हार्ट्स बहुत ही पॉपुलर कार्ड गेम है। ये गेम इंडिया या एशिया में ही नहीं बल्कि यूएस, यूरोप, कनाडा तक खेला जाता है। इस गेम को काली बेगस या ब्लैक क्वीन के नाम से भी जानते हैं। आज जानते हैं सही तरीके से हार्ट्स गेम यानी काली बेगम को खेलते कैसे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। वैसे दोस्तों एमजी गेम्स की हार्ट्स बहुत ही कूल है और इंटरेस्टिंग भी। आप प्ले स्टोर पर जाकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आमतौर पर ये गेम 4 प्लेयर के साथ खेला जाता है। आइए जानते हैं कैसे खेलते हैं सही तरीके से हार्ट्स गेम। आपको इस गेम में कम से कम पॉइंट्स बनाने होते हैं। पहले समझ लेते हैं पॉइंट सिस्टम को। हार्ट्स के हर पत्ते का एक पॉइंट है, यानी हर पान के पत्ते का एक पॉइंट होगा, चाहे वो कोई भी कार्ड हो, एस हो, किंग हो, दुग्गी हो, तिग्गी हो, कोई भी हार्ट्स का कार्ड हो, उसका एक पॉइंट होगा। क्वीन ऑफ स्पेड, हुकुम की रानी, हुकुम की रानी के 13 पॉइंट्स होते हैं। जिसके पास ये स्पेड की क्वीन वाला हाथ का कार्ड जाएगा उसके स्कोर में 13 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, जो कि टोटल स्कोर के लिए ठीक नहीं है। जैक ऑफ डायमंड यानी ईट का गुलाम, ये इस गेम का सबसे अच्छा कार्ड है, सबसे बढ़िया कार्ड है, क्योंकि जिस राउंड में ये कार्ड जिस भी प्लेयर के पास पहुंचेगा हैंड्स के थ्रू, उसके टोटल स्कोर में -10 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इसको हासिल करें। पॉइंट्स वाले कार्ड को जो मिलाकर इसका गेम का टोटल होता है वो होता है 26 पॉइंट्स। तो हमें इस गेम में कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के हाथ बनने चाहिए। इस गेम में हम कम से कम पॉइंट्स बनाएं। गेम वो प्लेयर स्टार्ट करेगा जिसके पास चिड़ी की दुगी होगी। आइए गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं 13-13 कार्ड सबको मिल चुके हैं। अब सब 3-3 कार्ड अपने नेक्स्ट प्लेयर को देंगे। ये वो कार्ड हैं जो कार्ड यूजफुल नहीं है, जिससे आपके पॉइंट बन सकते हैं, तो हम वो 3 कार्ड अपने लेफ्ट वाले प्लेयर को देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने किंग, ईट की क्वीन और जैक पान का अपने लेफ्ट प्लेयर को दिया है। ऐसे ही राइट वाले प्लेयर ने कोई भी 3 कार्ड मुझे देगा। जब सब प्लेयर एक दूसरे को 3-3 कार्ड दे देंगे तो गेम स्टार्ट होगा। जिसके पास चिड़ी की दुग्गी होगी वो सबसे पहले चलेगा। अब राइट प्लेयर ने चिड़ी की दुग्गी चली है। अब मुझे अपने कार्ड में से देखना है कि मेरे पास चिड़ी का कार्ड है या नहीं। अगर है तो चिड़ी का कार्ड चलना होगा, अगर नहीं है तो हार्ट्स के कार्ड से हार्ट्स को ओपन करना होगा। जिसका हाई कार्ड होगा उसको हार्ट्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम एक एक करके कार्ड्स फेंकेंगे और तब तक हम ऐसा करेंगे जब तक कि सारे कार्ड्स खत्म ना हो जाएं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि हुकुम की क्वीन जितना हो सके आपको ना मिले, वरना आपके पॉइंट्स में 13 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ईट का जैक हो सके जितना हो सके आपको लेना है, क्योंकि इससे आपका स्कोर में -10 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो हम ये सब बातों का ध्यान रखें। आइए आप जानते हैं गेम का एंड कैसे होगा। इस गेम में जिस प्लेयर के पहले 50 पॉइंट बन जाएंगे वो प्लेयर हार जाएगा, क्योंकि मैंने इस गेम में 50 पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स भी खेल सकते हैं। जो भी प्लेयर पहले 50 पॉइंट्स ले लेगा वो हार जाएगा, और जिस भी प्लेयर के सबसे कम पॉइंट्स बनेंगे वो जीत जाएगा। आइए अब आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप ये गेम 3 या 5 प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। अगर आपको ये 3 प्लेयर के साथ खेलना है तो आप अपने कार्ड डेक में से ईट की दुग्गी को निकाल देंगे और फिर हर प्लेयर को 17-17 कार्ड बांटेंगे। और अगर 5 प्लेयर खेल रहे हैं तो आप ईट की दुग्गी और चिड़ी की दुग्गी दोनों इसमें से निकाल देंगे और हर प्लेयर को 10-10 कार्ड बांटेंगे। हमें इस गेम में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सारे के सारे जो 26 पॉइंट्स होते हैं वो किसी एक प्लेयर के नहीं बन जाएं, नहीं तो उस प्लेयर को 0 पॉइंट्स मिल जाते हैं और बाकी जो तीनों प्लेयर हैं उनको 26-26 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसलिए कम से कम एक पॉइंट किसी दूसरे प्लेयर का भी बनना चाहिए। आई होप आप सबको हार्ट स्केल के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।